24 और 25 आते आते नीतीश कुमार जी को राजनीतिक तौर पर मिट्टी में मिला देंगे, कोई देखने वाला नहीं। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज़। मेरा नाम अभिषेक है। सीतामढ़ी पहुंचे बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने एक बार फिर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने साफ साफ कहा कि नीतीश कुमार को राजनीतिक रूप से मिट्टी में मिला देंगे। साफ साफ कहा है 2024-25 आते आते बिहार के मुख्यमंत्री सीएम नीतीश कुमार को राजनीतिक रूप से मिट्टी में मिला देने की बात एक बार फिर सम्राट चौधरी हैं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने कह दिया है। क्या कुछ कह रहे हैं पहले वो सुनवाते हैं। दरअसल सीतामढ़ी में वो कार्यक्रम में शामिल हुए, इस दौरान उन्होंने बड़ी बात कह दी है। क्या कुछ कह रहे हैं सुनिए। उठकर भारतीय जनता पार्टी में विलीन हो गया। इसलिए साथियों ये स्पष्ट है कि 2025 में ये जो पलटू बाबू है पलटू कुमार जी, ये अब नहीं रहने वाले हैं। आज का जगत गुरु जी मैं बताना चाहता हूँ कि नीतीश कुमार जी तो आजकल गजनी फिल्म लोगों ने देखा, और गजनी फिल्म में उसका जो हीरो है आमिर खान, वो मेमोरी लॉस कर जाता है। कुछ देर तक के लिए उसको याददाश्त खत्म हो जाता है। वही स्थिति बिहार में हो गई है साथियों, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने तय किया था 2020 में कि हम बिहार का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बनाएंगे, इसलिए कमिटमेंट और हम लोगों ने बैठाया। लेकिन अब वो भाग कर चले गए, तो जो भाग के चला जाता है उसको फिर वापस लिया जाता है, नहीं लिया जाता। तो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने तय किया है कि अब नीतीश कुमार को फिर से भारतीय जनता पार्टी में कोई एंट्री नहीं मिल सकती है साथियों। और मेरे अध्यक्ष बनने के बाद तो पूरे क्लियर हो गया होगा बाबा। और जगत गुरु जी आपके आशीर्वाद से नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री है, और बिहार को आशीर्वाद दीजिए कि बिहार में सुशासन स्थापित हो। और हमने तो साफ तौर पर कहा है कि 2024 और 25 आते आते नीतीश कुमार जी को राजनीतिक तौर पर मिट्टी में मिला देंगे, कोई देखने वाला नहीं होगा। तो आपने सुना कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने क्या कुछ कहा। कई सारी बातों को उन्होंने कहा है, और साफ साफ कहा है कि सीएम नीतीश कुमार को राजनीतिक रूप से मिट्टी में मिला दिया जाए देंगे। साफ साफ वो कह रहे हैं कि 2024-25 आते आते सीएम नीतीश कुमार को राजनीतिक रूप से मिट्टी में मिला दिया जाएगा। तो मिट्टी में मिला देने की बात, बिहार में सियासत काफ़ी गर्म है। सम्राट चौधरी ने इससे पहले भी एक बार कहा था, और सीतामढ़ी में एक बार फिर कह दिया है। अब इससे जेडीयू क्या कुछ कहती है, क्योंकि जेडीयू हमलावर थी उस बयान को लेकर, माफ़ी मांगने की बात तक कह दी थी जेडीयू ने, और इस बार एक बार फिर सम्राट चौधरी ने बड़ा बयान दिया है, सीतामढ़ी में दिया है। हालांकि वो जो मुजफ्फरपुर से जा रहे थे उस वक्त भी बीजेपी के जो विधायक हैं केदार गुप्ता, उन्होंने चांदी के मुकुट पहनाया है उन्हें, उसकी तस्वीरें भी हैं। तो बने रहिए लाइव सिटीज़ के साथ। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पेज को लाइक करिए।